हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये चाइनीज़ बोर्ड को फाइनली मैंने फिक्स कर दिया है। उसके अंदर जो सारा प्रॉब्लम था वो था उसके घटिया ट्रांजिस्टर उसमें लगाए हुए थे, ये 1 2 3 4, चारों के चार मैंने उसको रिप्लेस कर दिए और ओरिजिनल ट्रांजिस्टर मुझे मार्केट से मिल गए तो मैंने लगा दिया। एक ट्रांजिस्टर करीबन 20 रुपये का एक ट्रांजिस्टर मुझे मिल गया और जिसका नंबर था A94 और C23। जो A94 था, A940 था, वो PNP था और C2073 था, वो NPN था। तो ये सारे ट्रांजिस्टर मुझे मिल गए और भी कुछ सारा प्रॉब्लम था उसके अंदर। कुछ यहाँ सोल्डर भी थोड़ा लूज था उसका, ड्राई सोल्डर था, और ये ट्रांजिस्टर मुझे चेंज करना पड़ा। ये चेंज किया मैंने, ये चेंज किया, तो अभी उसका साउंड कंप्लीट हो गया है दोस्तों। फिर भी मैंने ये सारे नए ट्रांजिस्टर ऑर्डर किए हैं तो आ जाएंगे करीबन 500 रुपये के 8 ट्रांजिस्टर आएंगे उसके रिप्लेसमेंट के लिए। मैंने सोचा कि ये कुछ खराब हो गया होगा, लेकिन उसमें कुछ भी खराबी नहीं हुई। तो अभी ये कंप्लीट चालू हो गया है और उसमें ये मैंने बास टबल का बोर्ड लगा दिया है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको उसका साउंड भी सुना देता हूँ। बहुत अच्छा अभी साउंड दे रहा है और सामने जो दिख रहे हैं दो, बीच में जो दो ट्वीटर ऊपर लगाए हुए हैं वो 300 वाट का एक और दूसरा 300 वाट का है, जो टावर स्पीकर, उसमें आपको सुनाऊँगा। बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस देता है ये बोर्ड और उसमें 24/0/24 तक का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं 5 एम्पियर का, लेकिन मैं 22/0/22 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाने वाला हूं। अभी तो 20/0/20 5 एम्पियर का है, लेकिन उस पर भी ये चलता है दोस्तों। तो मैं उसका साउंड आपको सुना देता हूं। काफ़ी अच्छा साउंड है उसका दोस्तों, लेकिन घटिया पार्ट की वजह से ये सारा प्रॉब्लम उसमें आया था। फिर भी अभी ये एक रजिस्टर गर्म हो रहा है और ये रजिस्टर भी गर्म होता है, वो मैंने चेंज करके हेफ वॉट्स 1 वॉट का लगा दिया है यहाँ पर। और ये सारे कैपेसिटर भी अभी 35 वॉट के मैंने लगाए, उसके बदले मुझे 50 वॉट के लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसमें अभी DC 32 वॉट जा रहा है और ये कैपेसिटर है वो 35 वॉट के है। तो अभी उसको मैं बाद में रिप्लेस कर दूँगा, लेकिन अभी ये चालू हो गया है, वो अच्छी बात है। तो मैं आपको उसका साउंड सुना देता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये साउंड था, सुपर डुपर साउंड है। तो ये प्रॉब्लम था, उसकी वजह से सारा पूरा मुझे खोलना पड़ा। तो दोस्तों अभी ये फिक्स हो गया है, बाद में ये सारे नए ट्रांजिस्टर में उसमें डालूंगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे मेरे नए ऑर्डर किए, वो भी लगा के मैं टेस्ट करूँगा। देखते हैं नए कंपनी के बनाए हुए हैं, ये NEC के बनाए हैं और दूसरे मैंने जो ऑर्डर किए दूसरी कंपनी के हैं, वो भी करीबन बहुत महंगे मुझे मिले। करीबन एक ट्रांजिस्टर 40 रुपये का एक ट्रांजिस्टर मिल गया मुझे,
ऐसे 500 रुपये का ये सारा आ गया, और ये सारे मैंने चार चेंज कर दिए थे। बहुत सारा खर्चा करना पड़ा दोस्तों, लेकिन अभी ठीक हो गया है। तो दोस्तों यही वीडियो था, अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ लिखना, जिससे मुझे पता चले कि मेरे काम में अगर कोई चेंजिंग करना है तो मैं कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।